नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आज आपके सामने लेकर आया हूँ ऊड़ा लूप के बारे में। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सरकार जिस मेथोडोलॉजी का यूज़ कर रही है, पूरा संसार के जो साइंटिस्ट लोग हैं जिस मेथोडोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं उसे कहते हैं ऊड़ा लूप। ऊड़ा लूप जो है ये जॉन बॉयड का एक सिस्टम बनाया हुआ सिस्टम है, जिनको पकड़ लिया गया था, जिनको एक युद्ध करते समय वियतनाम के युद्ध में उसको पकड़ा गया था, और पकड़ने के बाद वो वहाँ से बाहर आ गया, और बाहर आने के बाद जब उसको छोड़ा गया, बाहर आने के बाद उसने एक सिस्टम बताया, क्योंकि वो जब कहीं पर भी वार करने जाता था तो वो एक सिस्टम को फॉलो करता था, उस सिस्टम को कहते हैं ऊड़ा लूप। ऊड़ा लूप में जो है सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है आपके दुश्मन को, या जो बीमारी है उस बीमारी को आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है, फिर ओरिएंट करना है। ओरिएंट ओ है, फर्स्ट ओ इज़ ऑब्जर्व, सेकेंड ओ इज़ ओरिएंट। ओरिएंट कीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, फर्स्ट स्टेप से लेके जिस स्टेप पर वो है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद आता है डी। डी इज स्टैंड फॉर डिसाइड। आपने सबसे पहले ऑब्जर्व कर लिया, आपने उसके बाद ओरिएंट कर लिया, उसके बाद आया डिसाइड। आपको डिसाइड करना है, आपको वहाँ पर एक्शन लेना है, क्योंकि आपके पास कुछ तो डेटा आ गया कि हाँ अब ये कोरोना आया हुआ है, इसको हम मास्क लगा के, इसको हम चश्मा लगा के, इसको हम हाथ को बार बार क्लीन करके, साफ सफाई रख के हम इस पर एक्शन ले सकते हैं। तो इस तरह से डिसीजन लिया गया, और डिसीजन के बाद ए उड़ा, ओ ओ ओ डी ए, ए जो है ए इज स्टैंड फॉर एक्शन। तो सबसे पहला जो ऊड़ा लूप होता है वो इतना बड़ा बनता है, फिर जब आप उसको फिर से आप ऑब्जर्व करते हो, फिर से आप उस पर ओरिएंट करते हो, फिर से डिसाइड करते हो, और फिर से एक्शन लेते हो, तो ये ऊड़ा लूप जो है धीरे धीरे करते करते एक छोटा हो जाता है। हर समस्या को, आपके जीवन में जितने भी समस्या आ रहे हैं, हर समस्या को आप ऊड़ा लूप के द्वारा हल कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ऊड़ा, ओ ओ डी ए, ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड एंड एक्ट, इस माध्यम से आप अपने समस्या को हल कर सकते हैं, किसी कितने भी बड़े चैलेंजेस को आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता यहाँ पर आपसे विदा लेता हूँ।